सो द नेक्स्ट ऑसिलेटर इज ए हार्टली ऑसिलेटर। हार्टली ऑसिलेटरटा पूरापूरी सिमिलर अच्छे आम कॉल्पिट ऑसिलेटर सांगे, बट स्लाइट डेविएशन और स्लाइट मॉडिफिकेशन। सेने दुटा कैपेसिटर के सीरीज रे कनेक्ट कराई थिला आ ताकर एक्रॉस रे गोटे इंडक्टरटे थिला। इतर केस रे इटा खाली रिवर्स हो जुड़े इंडक्टर सीरीज रे कनेक्टेड रहेबे आ तार एक्रॉस रे गोटे कैपेसिटरटे पैरेलल कनेक्टेड हबा। दुई इंडक्टर रो सेंटर के टैप कराई छे, ग्राउंड कराई छे। दुई इंडक्टर बिटवीन रे दुई इंडक्टर भितर जेन म्यूचुअल इंडक्टेंस अच्छे सेटा के डिनोट कराई कैपिटल एम रे। तो ये टैंक सर्किट आमको आगुरी कही थी गोटे ऑसिलेटर बनावा लगे कण कण दरकार, गोटे टैंक सर्किट दरकार। इन टैंक सर्किट रो मेंबर के L1 L2 आउ सी आ गोटे फीडबैक सर्किट दरकार। इन जेन फीडबैक जाइए सेटा फीडबैक सर्किट दरकार आ गोटे एम्प्लीफायर दरकार। ये तीन टा जिनिस थिले मुझे गोटे आराम से ऑसिलेटर बनई पार्मी। तो इन कण कर गोटे टैंक सर्किट गोटे फीडबैक सर्किट आ गोटे एम्प्लीफायरटे अच्छे। तो ये टैंक सर्किट रे L1 आउ L2 जेन इंडक्टर अच्छे सीरीज रे कनेक्टेड अच्छे तंकर भितरे म्यूचुअल इंडक्टेंस कैपिटल एम है। तो टोटल इंडक्टेंस के L1 प्लस L2 प्लस 2M। तो टोटल इंडक्टेंस रो फॉर्मूला के बाहर कर L टोटल इज इक्वल टू L1 प्लस L2 प्लस 2M। L1 प्लस L2 प्लस 2M इट विल गिव यू द टोटल इंडक्टेंस। आउ ऑसिलेशन केतरे ऑसिलेट करुचे गोटे ऑसिलेटरी सर्किट तो गोटे फ्रिक्वेन्सी ऑसिलेट करुवा से केन फ्रिक्वेन्सी ऑसिलेट करुचे 1/2π रूट ओवर ऑफ LT इंटू सी व्वेर LT इज द टोटल इंडक्टेन्स ऑफ द टैंक सर्किट। तो सेम रेजिस्टर R1 आउ R2 इन भी कनेक्ट कराई है। R1 आउ R2 काम कौन बाइजिंग करवार हेल्प करवा, ट्रांजिस्टर चोक कॉइल काम कौन DC ब्लॉक करवा, AC एलाउ करवा पास करवार लगी। नेक्स्ट हो नेक्स्ट जानवर कथा अच्छे इनु आमर जहाँ भी फीडबैक जाऊचे ये फीडबैक देकर जहाँ जाऊचे फीडबैकटा एक्चुअली आसूचे केनु से वोल्टेजटा आसूचे केनु L2 L2 एक्रॉस रे जहाँ भी वोल्टेज थी से ही वोल्टेजटा ही आमर एक्चुअली फीडबैक हिसाब से जाऊचे से ही वोल्टेजटा के आम फीडबैक दूचु। आउ L1 एक्रॉस रे जेन वोल्टेजटा आसूचे सेटा ही होचे आमर आउटपुट वोल्टेज, बिकॉज आउटपुट वोल्टेजटा एक्चुअली आम केन पॉइंट रु नोचु ई पॉइंट ऑफ ग्राउंड एक्रॉस रे नोचु। तो ये पॉइंट ऑफ ग्राउंड अक्रॉस वोल्टेजटा के आउटपुट वोल्टेज कहा जेनटा कि हमको L1 अक्रॉस मिलूँ। तो L1 अक्रॉस मत आउटपुट वोल्टेज मिलूँ, L2 अक्रॉस फीडबैक वोल्टेज जेनटा कि फीडबैक दि जाऊँ मोर ट्रांजिस्टर के, ट्रांजिस्टर से एम्प्लीफाए कर दूचे आउ आउटपुट्रे से आउ थे एड हो जाए टैंक सर्किट्रे। तो बेसिकली टैंक सर्किट जेन अच्छे टैंक सर्किट रो एनर्जी जेन धीरे धीरे कमुचे, बिकज कहीं लगे जो आम VC सप्लाई ऑन करुचु कण हाँ कैपासीटर चार्ज करवाटे स्टार्ट करवा। तो कैपासीटर जेनता ही फुल चार्ज हो जाए कण हाँ कैपासीटर डिस्चार्ज कर बसवा। तो कैपासीटर डिस्चार्ज कले तार एनर्जीटा L1 आउ L2 इंडक्टर देकर डिस्चार्ज हो जाए। तो चार्जिंग डिस्चार्जिंग यदि कंटिन्यूस फॉर्म रो हो मैं कहना कही ऑसिलेशन होचे ऑसिलेशन होचे बोले गोटे पर्टिकुलर फ्रिक्वेन्सी ऑसिलेशन होता से ही फ्रिक्वेन्सी के कहा जाए F=1/2 πa LT इंटू सी रूट ओवर। तो बेसिकली इनु आमको दरकार एक्चुअली आमको फीडबैक कहीं दरकार, बिना फीडबैक हो पारिता कि नहीं पारिता, बिकज बिना फीडबैक कण होता इन जेन ऑसिलेशनटा होता से आमर अनडैम्ड ऑसिलेशन नहीं होता से कंटिन्यूसली कह एनर्जी डिक्रीज करता लास्ट सब एनर्जी सरीजा। तो इनु आम के कण दरकार आम चाहूँ इन जेन ऑसिलेशनटा हाँ से कंटिन्यूस हो अनडैम्ड ऑसिलेशन हो अनडैम्ड ऑसिलेशन माने कण एनर्जी टिके भी डिक्रीमेंट नहीं आसु एनर्जी रे डिक्रीमेंट नहीं आसवाला आम कण करें इन आम कह कर फीडबैक मेकानिजम यूज करुच्छे। तो फीडबैक आम जेन दौचु से ही फीडबैकटा एम्प्लीफाई होकर आउ थे आसूचे और टैंक सर्किट रे एनर्जीटा फेर थे एड हो जाए। तो गोटे सिंपल जब एक्जामपल देमी मंदिर सपोज गोटे घंटीटे अच्छे तो से मंदिर घंटी यदि गोटे छुआटे थे ही बजे रही से घंटीर ऑसिलेशनटा कण हाँ धीरे 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 लास्ट रे घंटीर ऑसिलेशन सरी जावा। लेकिन मते कण दरकार मते दरकार ऑसिलेशनटा कंटिन्यूस हो थ्रू आउट होल टाइम। तो से कण कर गोटे छुआ के कहमी तु प्रति गोटे गोटे मिनिट्रे टिके टिके एनर्जी दौथा सिस्टम के मैं घंटीर वाइब्रेशन रे तु टिके टिके हेल्प करुथा। तो जेनते ही देखु कि घंटीर वाइब्रेशन कमी जावा तु आउ थे टिके एनर्जी देदेबू हैंड रु एक्सटर्नाल एनर्जी। तो कण हे फेर थे घंटीर वाइब्रेशनटा जेनता नर्माल होता सेनते ही बसवा। तो ये केस रे मते जेन ऑसिलेशनटा मिलवा कंटिन्यूस ऑसिलेशन मिल पार्वा, बट हेन्ते तो केनसी छुआ हो ना कहे कंटिन्यूसली गोटे गोटे मिनिट्रे थी से घंटी बजावा सेटा पॉसिबल नुहे से। लेकिन इलेक्ट्रिकल सर्किट रे सेटा पॉसिबल हो पार्वा। इलेक्ट्रिकल सर्किट रे काना करा जीवा एनर्जी जेनता है कि डिक्रीज कर सेटा के फीडबैक फॉर्म रे आमे एम्प्लीफायर के देदे एम्प्लीफायर एम्प्लीफाए करके से एनर्जी फेर थोड़े टैंक सर्किट के देदे जितकी भी एनर्जी कमी थी सेटा मिली जावा। तो ये हिसाब से आमको जो ऑसिलेशनटा मिलवा कंटिन्यूस मिलवा आउ अनडैम्ड हिसाब से मिलवा।
तेणु आमको जेन ट्रांजिस्टरटा अच्छे से ट्रांजिस्टरटा मत 180 डिग्री रो फेस सिफ्ट करुचे तार माने कण इन यदि साइन वेव इनपुट होचे इतार आउटपुट जेन वेवफॉर्मटा मिलवा सेटा 180 डिग्री उल्टी हेथिवा तो 180 डिग्री रो फेस सिफ्ट हेथिवा आ से 180 डिग्री रो फेस सिफ्ट हवा फेर थरे जतले ई टैंक सर्किट आसवा से टैंक सर्किट तके फेर थरे 180 डिग्री रो फेस सिफ्ट करावा तो जेंता इनपुट इनपुट रो वेवफॉर्म शेप जेंता थिला आउटपुट रे भी वेवफॉर्म रो शेप सेंती आसी जीवा सो दैट सही अमाउंट ऑफ एनर्जी टा ऐड हो जीवा एटा काई थले दरकार इन फेज हवार कथा काई थले दरकार तार गुटे एग्जांपल दो देखो सपोज एनर्जी तम पाके 100 थिला किछि टाइम पर सेटा 98 हो गला तो तुम फीडबैक फॉर्म रे ताके जणा लो एम्पलीफायर की दुई अमाउंट ऑफ टू अमाउंट ऑफ एनर्जी डिक्रीज हो जाए तो से कहाँ करवा से ताके फिर तरह एम्पलीफाई करी ताके फिर टैंक सर्किट के दे देवा से टैंक सर्किट फिर 100 हो जाए लेकिन जदि तुम से टूटा के से माइनस टू हिसाब से एज्यूम करदेला तो कण हो टूटा के माइनस टू हिसाब से एज्यूम कर 98 से 100 ना करी 96 करदे तो इन फेज रहवाटा बहुत ही दरकार अच्छे से आम इन एक्सप्लेन करुचु 360 डिग्री रो फेज सिफ्ट कराऊे फास्ट 180 डिग्री रो फेज सिफ्ट किए अचीव करुचे ट्रांजिस्टर फिर नेक्स्ट 180 डिग्री रो फेज सिफ्ट किए अचीव करुचे आमको ये L1 L2 रो सर्किटा से लगे आमको टोटल 360 डिग्री रो फेज सिफ्ट होकर मत आउटपुट फेर थ्रू वेवफॉर्म मिलुचे इनपुट जेन्ता फॉर्म रे थिला आउटपुट भी सही फॉर्म रे मिलुचे और सही फॉर्म रही एनर्जीटा आम आउटपुट एड होचे तो इनु जेन एम्प्लीफाई होकर जीवा सेटा जेन फॉर्म रे रहिबा ऑसिलेशन टैंक सर्किट रे जेन होचे से तार भी सही फॉर्म रे ही ऑसिलेशन होतला साइन वेव रे सो एति लगे बे दुटा एड हे पारबे आ कंप्लीटली मोर जेतकी भी लॉस इतला एनर्जी से तके मिली पारवा थैंक यू।